छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक जियोटेक लैब का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी ने कहा कि इससे बीएसपी व सीएसवीटीयू के बीच औद्योगिक अकादमिक साझेदारी बढ़ेगी। छात्रों और कर्मियों को उन्नत औद्योगिक तकनीकी का प्रशिक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि इस लैब में निर्माण कार्यों के लिए जमीन की मजबूती का परीक्षण और तरह के टेस्टिंग की सुविधा भी है, जिससे बेहतर रिजल्ट ओरियंट काम किया जा सकता है। बीएसपी के निदेशक प्रभारी ने भविष्य में सीएसआर फंड से ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जाने की बात भी कही है। नहीं, उसमें हम लोग इसका कर रहे हैं कि हमारे पास अभी सीएसबीटी को जो जितने भी हम मदद कर सकते हैं हम तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या पूरे भारतवर्ष के विकास के लिए बहुत ही अत्यंत ही। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इंडस्ट्री के साथ जो रिसर्च होने जो दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में थोड़ी कमी होती है, मेरे ख्याल से इनके यहाँ नहीं होगी। तो यहाँ बच्चे जो व्यावहारिक चीज़ें हैं उसको भी सीख पाएंगे और उसमें हम इनके पार्टनर बनेंगे तो मैं बड़ी खुशी।